नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जो आपकी पिछली वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आप लोग वेट कर रहे हैं, और सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट जिसकी अभी वैकेंसी आई हुई है, आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे। इस दोनों पोस्ट की क्या ज़रूरत थी और इन दोनों पोस्ट में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी की बात कर लें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों का काम प्लान को एग्जीक्यूट करना ही है, ग्राउंड लेवल पे दिए गए टास्क को पूरा करना ही है ग्राउंड लेवल पे। इसको सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को भी साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है, जी हाँ 1 महीने अधिक सैलरी मिलती है, और मोटर ट्रांसपोर्ट वालों को भी 13 महीने की सैलरी मिलती है। ये भी टेम्प्ररी जॉब होता है 2 साल के लिए, और ये भी टेम्प्ररी जॉब होता है 2 साल के लिए। टेम्प्ररी कहने का मतलब ये है कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इन 2 साल में आपको कोशिश ये करना होता है कि कोई मेजर फॉल्ट आपसे ना हो। अगर कोई मेजर फॉल्ट पाया गया तो आपको वहीं पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि 2 साल तक आपकी जॉब जो होती है वो टेम्प्ररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और ये लगभग हर एक गवर्नमेंट जॉब में वैसा होता है, लेकिन सिक्योरिटी असिस्टेंट यानी कि आईबी के केस में इसको थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया जाता है। तो इस 2 साल में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, खुद पे कंट्रोल रखना होगा, ठीक है, कोई गलती आपसे ना हो, कोई मेजर फॉल्ट आपसे ना हो। ये भी आपका फील्ड जॉब है, ये भी आपका फील्ड जॉब है, ये भी ऑपरेशनल जॉब है और ये भी ऑपरेशनल जॉब ही है। अब दोनों में फ़र्क को समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो आपको एग्जीक्यूटिव और मोटर ट्रांसपोर्ट देख करके ही आपको फ़र्क पता चल गया होगा कि दोनों में क्या अंतर है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। सपोज करिए किसी रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग हुई है और कोई हायर लेवल का लीडर वहाँ पे आ रहा है आपकी रीजन में, ठीक है, तो वहाँ पे सपोज करिए इसको भी और इसको भी डिप्लॉय किया गया कुछ दिन पहले, कोई हाई लेवल लीडर आ रहा है उसके पहले दोनों लोगों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया इस रीजन में। पिछले 6 महीने में जितने भी थ्रेट आए होंगे, जितनी भी धमकी आई होंगी या साइबर अटैक हुए होंगे, इन सब के बारे में ये लोग इकट्ठा करेंगे यहाँ से इन्फॉर्मेशन सबसे पहले, और इसको अपने हायर अथॉरिटी को देंगे। लेकिन सपोज करिए कि किसी ऐसे रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाए जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा ना हो, ठीक है, जहाँ पे ऑटो बस जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, तो ऐसे रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग हो जाए जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा ना हो, तो वहाँ पे आपको अपने व्हीकल से जाना होता है, ठीक है, और कोई इमरजेंसी में आपको रिमोट एरिया से हेडक्वार्टर जाना हो, अपने SIB जाना हो, तो आप किसी का वेट ना करके आप खुद उस इमरजेंसी केस में अपने व्हीकल से वहाँ इजीली चले जाएँ, कभी भी 24/7 कभी भी आप चले जाएँ। इसके लिए इस पोस्ट का सृजन किया गया सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट का, कि ज़रूरत के हिसाब से जब भी ज़रूरत हो तो कोई एक अपने मोटर व्हीकल से हेडक्वार्टर पहुँच जाए इमरजेंसी के केस में, ठीक है, इसीलिए इस पोस्ट को सृजित किया गया है। बाकी दोनों का काम सेम ही है, फील्ड लेवल से वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करना, लोकल लोगों से बातें करना, वहाँ पे साइबर अटैक या जो भी थ्रेट्स आते हैं, धमकियाँ आती हैं उसके बारे में, बॉर्डर जो क्रॉसिंग होती है 2 देश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश हो सकता है, इंडिया और चाइना हो सकता है, तो उन सभी एरिया में जो भी घुसपैठ होते हैं इसकी जानकारी गैदर करना, और अपने हेडक्वार्टर में या वहाँ के लोकल पुलिस को इसका इन्फॉर्मेशन देना, ये काम दोनों का है। बस यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कि इनको रिजर्व रखा जाता है उस केस के लिए जब कोई इमरजेंसी हो और इसको हेडक्वार्टर, अपने SIB या किसी रिमोट एरिया में जाना हो किसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जहां ऑटो और बस की सुविधा नहीं है, और ख़ास करके इनकी जो पोस्टिंग होती है दोनों की वो रिमोट एरियाज में ही होती है जहां पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत कम होती है, इसलिए इस पोस्ट को सृजित किया गया था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।